स्काउट क्लोजिंग टीएक्स इफ ही गेट्स नो स्पॉन्सर्ड माइट बी फेक। सुनने में तो आया है घातक के पास इन्वेस्टर्स पड़े हैं। गोडल में जेली आ रहा है क्या, सब पूछ रहे हैं। घातक वाली टीम मुझे आइडिया नहीं भाई, घातक का क्या सीन है वो भी मुझे पता नहीं। शायद हो सकता है घातक सोल ज्वाइन कर ले, या हो सकता है वो अपनी एक और फॉर्म कर ले। सुनने में तो आया है घातक के पास इन्वेस्टर्स पड़े हैं। इस हुडी के अंदर किसी की तो जर्सी है, नहीं दिखाऊंगा लेकिन अभी, ठीक है थोड़ा सा बैठो। अमर भाई बोले गोडल में जेली आ रहा है क्या, सब पूछ रहे हैं। कोई लग रहा है वो चीज, तेरे को पता आ रहा है वही, पता नहीं कहां कहां से खबर ला है, मेरे को कैसे पता होगा जब आपको नहीं पता। तो क्या बात करते हो यार अमर भाई। माना मेरा परसेंट है 10%, ये सब इन्फॉर्मेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ अमर भाई। स्काउट क्लोजिंग टीएक्स इफ ही गेट्स नो स्पॉन्सर्ड माइट बी फेक, आई डोंट नो। मतलब उसने प्लेयर्स को डराने के लिए कहा होगा, हो सकता है कि भाई लाइव पे जाके स्काउट ने सोचा होगा, लाइव पे जाके बोल देता हूँ भाई कि टीएक्स क्लोजिंग इफ वी डिडंट गॉट एनी स्पॉन्सर, ताकि टीम बोले ओ माय गॉड अब हम क्या करेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो अब वो बोलेंगे ब्रो ग्राइंड करते परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी ताकि स्काउट भाई को स्पॉन्सर मिले और वो टीम कंटिन्यू रखे। हो सकता है, दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स मे बी। या मुझे नहीं लगता यार स्काउट को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं यार। मॉन्स्टर खुद करने को अगर करना चाहे तो कर सकता है, मॉन्स्टर का ब्रांड एम्बेसडर है स्काउट, तो होने को तो यार देखो एक ब्रांड तो मिल सकता है। और पहली बात टीएक्स में सैलरी, हाँ ई स्पोर्ट्स प्लेयर को डेफिनेटली सैलरी तो दी जाती है, बट जरूरी है कि एक बड़ी सैलरी देना है टीएक्स को। फॉर एग्जाम्पल सोल है, अगर सोल ज्यादा सैलरी भी नहीं दे तो प्लेयर्स थोड़ी ना बोलेंगे कि हम जा रहे हैं। नहीं ब्रो, सोल व्यूअरशिप दे रहा है ना, तो वो तो प्लेयर्स के ऊपर रहता है ना कि भाई देखो अगर आप परफॉर्म करोगे, आप बड़े प्लेयर के अंडर में हो, स्काउट जैसा बंदा और का ओनर है, अगर टीम परफॉर्म करेगी तो एनीवेज उनको लोको रूटर या ईशू पीशू मीशू जो भी है, जैसे भी कोई भी स्ट्रीमिंग चैनल होगा प्लेटफॉर्म होगा, उनसे डील मिल जाएगी, फिर वो वापस स्ट्रीम करके अपना मंथली एक सैलरी बना सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना स्टार्टिंग में उनको अच्छी सैलरी देना है। हाँ बूट कैंप का खर्चा एक अलग बात होती है और एक आईफोन देना, उसके अलावा आई थिंक स्काउट कैन मैनेज टू बी ऑनेस्ट। और एक ऐसा स्पॉन्सर तो लाया जा सकता है जो 2-3 लाख तो महीने के निकाल सकता है स्काउट के नाम पे, तो इतनी मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट सैलरी नहीं भी दिया तो चलेगा, क्योंकि जो अंडरडॉग प्लेयर्स है जो बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर उनको टीएक्स ऐसी बड़ी टीम के अंदर स्काउट के अंडर में खेलने को मिलेगा कोई मना नहीं करेगा,